हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। दोस्तों, अब हम 27 सम करने जा रहे हैं। 26 सम्स अब तक हमने कर लिए हैं। 27 सम जो कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला है, इसलिए मैं आपको कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। 27 सम 2 मार्क के लिए ये रहा आपके सामने। सो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। 8 सेंटीमीटर का आपने एक लाइन ड्रॉ किया, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन, ठीक है। सो अब इसको हम एक नाम दे देंगे, दिस इज ए, ए दे देते हैं, और यहाँ पे हमने बी लिख दिया, ठीक है। सो 8 सेंटीमीटर का आपका ये लाइन सेगमेंट है, ये लिख दिया हमने। एंड डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 4:5। तो आपको उसके लिए क्या करना है, नीचे एक एक्यूट एंगल बनाना है आपको। यहाँ पे ऐसा एक एक्यूट एंगल क्रिएट करना है, इस तरह से हमने क्रिएट कर दिया। अब इसको आपको टोटल क्या रेशियो बोला उसने, 4:5। उसने कितना बोला है, 4:5, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करो आप। 4+5 कितना हुआ, 4+5 9 है। तो इन दोनों को ऐड करके 9 है ना, तो 9 सेगमेंट्स आपको क्रिएट करने। कितने सेगमेंट्स क्रिएट करने, 9। देखो आपको देखना है कि यहाँ पे ऐसे छोटे 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 करके 9 सेगमेंट बराबर क्रिएट हो जाए, वो आपको ध्यान देना, ठीक है। सो आपको 9 सेगमेंट्स क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, कुछ सेगमेंट लिया एक और यहाँ पे मार्क करूंगा, ये मेरा एक सेगमेंट, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये हमारा 3, ये हो जाएगा 4। ऐसे आपको कितने बनाना, 9 कर देना, ठीक है ना, ठीक है। सो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 सेक्शंस बना दिए। तो मैं उसको एक नाम दे दूंगा, सबको अलग अलग नाम दूंगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9। आए समझ में। और ये आपका रे है तो इसको ऐसे एरो मार्क दे देंगे। 9 सेगमेंट्स हो गए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो सेगमेंट है, ये जो एंड है ना बी का, ये जो बी है ना, इसको इससे ज्वाइन करना है। किससे, 9th वाले पोर्शन से आपको ज्वाइन करना। देखो होगा क्या मालूम है, ये जो है ना 9 सेगमेंट का ये पोर्शन है, ये 9 सेगमेंट, ये जो 9 पार्ट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। हम क्या करेंगे, इसको हम 4:5 में, मतलब उस 4:5 में डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या हुआ, ये पूरा 9 रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करना। देखो 9 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, हमें 4:5 करना है, 1 2 3 4। तो यहां से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है इसके। अगर हमने यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी A4 से, किसके पैरेलल, ये A9B से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 4:5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक ऐसा कुछ आर्क लेते हैं, ठीक है ना, यहां से एक आर्क लेते हैं और वो यहां से ऐसा मार्क करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। और फिर वापस से 4th पोजीशन से हम वही आर्क लेंगे, ऐसा कट ऐसा बनाएंगे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से जहाँ पे मैंने राउंडर का वो पॉइंटेड पोजीशन रखा है उसको और इसको मेजर करके आपको यहाँ से, देखो ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, सो इसको पकड़ के एज एन आपको यहाँ कट करना है। बहुत केयरफुली कट करना है, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे कैसा है ना, 8 सेंटीमीटर वाला जो है लिखा हुआ वो भी इधर आ रहा है। सो अब क्या करेंगे, A4 से इसको बहुत केयरफुली हमें ज्वाइन करके आगे बढ़ाना है, आया समझ में। सो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर सी। कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट नंबर सी। सो अब क्या हुआ मालूम है, अब आपका AC is to CB is 4:5, आपका भी AC is to CB is 4:5, समझ में आ गया। ये प्रोसीजर है बनाने का, आया समझ में। चलो तो अब हम अगले सम की ओर बढ़ेंगे, 28 सम अगले वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए मेरा वीडियो, और हाँ आप लाइक करिए वीडियोस को, ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। 28 सम अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तब तक ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।